कोई मसला नहीं, नहीं नहीं उड़ा है, कोई मसला, कोई मसला नहीं उड़ा है। अभी थोड़ी देर में खिताब करेंगी जलीला हैदर, जलीला हैदर जलीला हैदर तस्खालक डेर से लाइव है, लाइव है तस्खालक डेर से, बस मैं बता रहा हूँ। خبر कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? बड़े जज्बाती होंगे मेरी तरह। हेलो भाइयों और दोस्तों, दादा नारा मोबाइल दे दे, लाइव शुरू नहीं, लाइव रोख लग रहा था, बस ठीक थे। सरबराज बुकठे रहो रसे दे, जब आप लोग आते हैं सब एक्टिव होते हैं, वैसे नहीं होते हैं, ये क्या सीन है? वो थोड़ा सा झलक हवा चल जाती है ना, कि कोई बड़ा आ रहा है, सब आ रहे हैं ना, वो लहर चल जाती है। आप ये कैमरा थोड़ी देर बंद कर सकते हैं हमारे मीडिया वाले? ये तो प्लीज, आई विल टॉक टू यू पीपल, मैं बात कर लूँगा आपसे, प्लीज, थैंक यू। मैं हाजिर हुए हैं आपके पास, क्या आपकी बात सुन लें क्या? कोई नहीं, इनके अपने लोग चला है तो बेशक चला है, अपने हमारे अपने हैं बंदे, चलाएं आप, छोड़ दे छोड़ दे जी। बताएं आप कि हम हाजिर हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, डीआईजी साहब इज आल्सो विद मी, मुझे चीफ कमिश्नर साहब ने भेजा है। आइए जनाब चीमा साहब, थोड़ा सा बैठा जी साहब, आगे चीमा साहब, आ जाए सर आगे अल्हम्दुलिल्लाह, दावन बड़ी है सर, करीब आ जाए। तो हम हाजिर हुए हैं कि हम आपसे बात कर सकें, पता चल सके कि क्या डिमांड्स हैं, क्या इश्यूज हैं, और उस पर डिटेल में बात कर सकें, जो एक्सेप्टेबल जो हमारे बस में है वो हम इससे पहले भी, मैं फिर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हमने किया है या क्या हम कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट वी वांट टू लिसन फ्रॉम यू कि आप क्या कहते हैं। बेटा ये तो मेरी आंखों पे लग रहे हैं, हम ये मेरे माए बेटे हैं, ये बहुत कम है। आई एम रिप्रेजेंटिंग 3,000 विडोज ऑफ हजारा, including the orphans. I am sitting here on their behalf. I have decided it. It is my shauri decision. Maine isko consciously decide kiya ki mujhe yahan baithna hai.
मैं चीमा साहब से मिली हूँ एक दफ़ा। बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट है, मैं जानती हूँ इनका जो रोल है, इन्होंने यूएन में सर्व किया है, ही नोज अबाउट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। मुझे पता है कि पुलिस भी सफ़र कर रही है, मैं तो पुलिस वालों के फैमिलीज को दावत दे रही हूँ कि वो आए। पाकिस्तान में 80,000 लोग जान से गए एंड वी वर नॉट पार्टनर इन द आर्मी, या हमें जो शहीद का चूरन बेचा गया कि आप शहीद हो, शहादत की ग्लोरिफिकेशन की गई, हमें कहा आपके बच्चे शहीद है, मैं नहीं, हम लोग फौजी नहीं हैं, हमने भर्ती नहीं किए थे अपने बच्चे फौजी, हमने अपने भाई को पुलिस में नहीं, हमारा पुलिस शहीद हो गया। सरफराज बुगटी साहब, आपके भी बच्चे हैं, ऐसा ही है ना, अल्लाह ना करे जो कल वो बच्चा जो अपने बाप से लिपट के चीखा है वो आपका बच्चा हो सकता है। आपको ह्यूमनाइज होना पड़ेगा इंसानों को, बेसिक ह्यूमन राइट्स। आई हैव नो एजेंडा, आपका MI, आपका ISI, आपके लोग आते हैं मेरा प्रोफाइलिंग करते हैं कि इसकी फंडिंग क्या है। अगर ये फंडिंग आप लोग दाइश आईसिस जंगवी का करें, वो जो मुल्ला रमजान बेटा है वहाँ पे वो पेट्रोल बेच रहा है, अगर ये प्रोफाइलिंग उनकी होती, अगर आप लोग निसाब में देखते कि कितना नफरत प्रमोट होता है, ये जो वॉल चाकिंग आपका पूरा शहर जो जहादी मटीरियल से भरा पड़ा है, कभी एक काफिर कभी दूसरा काफिर, अगर इस पे आप लोग नजर रखते तो आई डोंट थिंक सो कि मुझ जैसे लोग यहाँ बैठे होते। जिंदगी सबको पसंद है, हमें भी नेल पेंट्स लगाना पसंद है, फैशन करके मेकअप करके बैठना पसंद है, मगर कल ये आप सबके गले में है, ये जो बच्चा चीखा है। सरफराज बुगटी, आप भी इस ओहदे पे नहीं रहेंगे क्योंकि आप लोगों के वोट से आए हैं। I never called off for military forces because I respect my representatives, because we vote them. हम उनको वोट देते हैं। We are Democrats. We all are sitting here as a Democrats. चीमा साहब बहुत काबिल एहतराम है। He served in UN. He knows what is UDHR. और उसमें हमारे बुनियादी हकूक हैं। अब आते हैं रियासत में। हमारा मुतालबा कुछ नहीं है। हम थक गए। मैं I was in France. जब मैंने पुलिस वालों का शेटर्ड बॉडी देखा वहाँ पे, हमें क्वेटा से कभी अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली है गुज़श्ता 20 सालों से। ऑफ कोर्स हमारा भी दिल है कि हम घूमें फिरें, नौजवानों की तरह एंजॉय करें, ऐसा ही है ना। Why you people are so dehumanized? कि आप लोग फौरन बगैर तफ्तीश के कहते हो इसमें राम मुलविस था, इसमें NDS मुलविस, तफ्तीश होता है, प्रोसीजर होता है सर, यू हैव बीन इन आर्मी, ऐसा ही होता है ना, इससे तो बाहर कुछ नहीं होता। आप लोगों को कहते हो हमारे वकील शहीद हुए, आप लोगों ने कहा 2 मिनट गुजरा है, आपने कहा ये CPAC पे हमला था, इतना सड़क पे कौन हमला करता है सर, हम इंसान है, इंसानों पे हमला होता है, वी ऑल आर लिविंग बींग्स। ये जो दुकानदार भूखे लोग डॉलर 120 रुपया, आपकी औरतें प्रोस्टिट्यूशन में, आपके बच्चे ड्रग्स में, आप हमारे बड़े हैं। आई एम हियर सर, हमारा एक पॉइंट है, हम किसी से, यू ऑल आर फेल्ड, आप लोग ये तस्लीम करें, जिस मुल्क का 80,000 शहरी मारा जाए बशमूल पुलिस और फौज के सिपाहियों के, आप समझ ले आप जंग हार चुके हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हम आपके जंगी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम शहरी हैं। जिस दिन कोई इस मुल्क की तरफ बुरी आंख से देखे, मैं हाजिर हूँ, वी लव दिस कंट्री, हमारा घर है, मेरे बाप का कब्र यहाँ पे है, हम इससे बाहर नहीं जा रहे हैं। We are not going anywhere. We represent this country everywhere with in a very positive के हम इस मुल्क का यूथ है, बुरा है अच्छा है, हम यहाँ जंग लड़ेंगे, इनसे पूछेंगे, इनसे सवाल करेंगे, we never portrayed you people negative internationally. तो आप लोगों ने हमें बदले में क्या दिया, सरों में गोलियां मारते हैं, हमें नहीं पता कौन मारता है, आपको बताना पड़ेगा। हम आप मुझे पता है आपका इख्तियार नहीं है सर, आप बहुत काबिल एहतराम है, आप मेरे हमारे लीडर हैं, आप काबिल एहतराम हैं,
पर मुझे पता है आपका इख्तियार नहीं है, पॉलिसीज जीएचक्यू से बनते हैं। हम चाहते हैं हमारा वजीर आला, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, यूथ है उसको आना चाहिए, पर वो बे इख्तियार है, फिलहाल मसरूफ है, पिकनिक है कि मेरे घर में नहीं है, इसको छोड़े। नहीं नहीं, वो मैं हूँ सर। ये कमिश्नर साहब की मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा हो गए है ये लाशें उठा रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं? तो सर मैं आपको एक बात बताऊं, हम चाहते हैं कि बाजवा साहब हमारे 3000 विडोज से मिले बगैर यूनिफॉर्म के मिले और हमारे साथ चाय पिए और वो एड्रेस करे कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद हम किस हाल में हैं। कॉन्फ्लिक्ट तो होता है हमारा बच्चा सर झुका के चलता है, तो इट्स व्हाई आई एम सिटिंग हियर। आप मेरी चंद एक गुजारिश है वो सुन लें, नो डाउट इन इट के आपके लोग टारगेट हुए और आई बिलोंग फ्रॉम, मैंने अपने 265 के करीब लोग दे चुका हूँ, मैं शहीदों के ख़ानदान से हूँ, मैंने अपने घर से जनाजे उठाए, तो मुझे अंदाज़ा है कि शहादत क्या है। मेरी बहन देखें, ये फोरम तो नहीं है कि हम इस तरह की डिबेट करें, एक दूसरे से रिबटल करें, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी जनरल कंसर्नस हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो एड्रेस किए भी जा सकते हैं और हो भी रहे। गवर्नमेंट वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, आपने एक बात कही मैं उसको क्लियर ज़रूर कहूँ कि आप कहती हैं कि वकला शहीद हुए हैं, आपने 5 मिनट बाद कह दिया, बिल्कुल नहीं कहा हमने ये कहा। अगर आप स्टेटमेंट सारी निकाल लें, मैं अपनी स्टेटमेंट्स में ये कहता हूँ कि इसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमने आज तक जितने लोग पकड़े हैं सब के सब और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर चुके हैं, सब के सब ने ये कहा कि हमें ट्रेनिंग वहाँ से मिलती है, हमें सुसाइडल वहाँ से प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और अफगानिस्तान की सरजमीन तो सरजमीन नॉन स्टेट एक्टर्स हर कोई इस्तेमाल करता है, बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है ईरानियन सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है या अफगानिस्तान की स्टेट पैटर्नेज में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हमारे जितने टेररिस्ट हैं जो हमें मारते हैं, जो हमें हमारी लाशों को बेहरमती करते हैं, वो तमाम के वहाँ पर कैंप्स मौजूद हैं और ये एविडेंसेस मौजूद हैं। एक सरकमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, वो तो मैं और आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड एविडेंसेस हैं, कभी हम इन कैमरा में आपको एक एक प्रूफ ला के दे सकता हूँ कि कौन सी सरजमीन स्टेट पैटर्नेज हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम बरी ज़िम्मा भी नहीं होते हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, आप लोगों ने हमें ज़िम्मेदारी दी है कि हम अपने लोगों की हिफाजत करें, लेकिन वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। सैफुल्ला कुर्द दहशत का नाम था या नहीं था, उसको किसने जहन्नम वसल किया, हमने किया या किसी और ने किया? महमूदुररहमान रिंद को किसने जहन्नम वसल किया? दाइश के 2005 से यहाँ पर आउटस्कर्ट्स में कैंप थे, किसने उनको जहन्नम वसल किया? हमने किया, किसी और ने किया? रिसेंटली हमने टारगेट किलर पकड़ा जो हज़ारा की टारगेट किलिंग करता था और पुलिस की टारगेट किलिंग करता था, उसको हमने पकड़ा या नहीं पकड़ा? सईद बादेनी वो था, जहांगीर बादेनी कौन था? जहांगीर बादेनी वो लोग थे जो आपकी टारगेट किलिंग करते थे, जिन्होंने वकला को शहीद किया, कहाँ है वो? जहन्नम वसल हुए ना, कैसे जहन्नम वसल हुए? तो अगर रियासत पे ही इल्ज़ाम लगाना है कि जो मैं फील कर रहा हूँ, अगर रियासत पे ही इल्ज़ाम लगाना है कि रियासत ये सब कुछ कर रही है, तो मैं ये इल्ज़ाम मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज़ मैं रियासत का हिस्सा हूँ। और जो आप अख्तियार बे अख्तियारी की बात करिए, मेरे पास सारा अख्तियार है जो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास ये अख्तियार है कि मैंने महमूदुररहमान रिंद को मरवाया, मेरे पास ये अख्तियार है कि सैफुल्ला कुर्द को जहन्नम वसल कराया, मेरे पास हमने आपकी सुप्रीम कोर्ट को भेजा हुआ है, 18 केसेस हैं जो हज़ारा किलिंग्स में हैं, जिनको लटकाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा मौका है जब से 2013 से हम आए हैं? आखिरी वाकया हमारा जो आपके ज़ायरीन जाते हैं, आखिरी वाकया जो हमारा हुआ है वो 2014 में हुआ है, 2015 में गालिबन हुआ है मस्तूक में, उसके बाद कोई एक वाकया बताएं। 800 किलोमीटर्स, आई माई सेल्फ माई टीम डिप्टी कमिश्नर DIG एक दफ़ा फ्रंटियर कोर के पास ओवर स्ट्रेच हो गए थे पिछले मुहर्रम में, हमने एक एक इंच को आपके लिए वो किया, सेव किया। हम खुद करते हैं इस जंग में, दहशतगर्दी की जंग में सबसे आगे मैं खुद होता हूँ, या ये कहे कि आप में से कोई कह दे कि मैं नहीं होता हूँ, तो मुझे बताएं कि कौन सी जगह है जहाँ पर हमने फोर फ्रंट पर आके आपकी हुकूमत में ये जंग नहीं लड़ी। जंग है, ज़ाहिर है, उसमें होता है। अभी हमने टारगेट किलर पकड़ा, उसने कन्फेस किया कि मैंने हज़ारा की किलिंग्स की, अभी हमने उसको क्या कहते हैं ट्रायल पे हम लेके जा रहे हैं। सईद बादेनी को हमने पकड़ा जिसने वकला को शहीद किया था, कौन था वो? सईद बादेनी ने ट्रेनिंग कहाँ से ली? स्पिन बोल्डिंग से नहीं ली, वो खुद कन्फेस करता है। तो मैं अफगानिस्तान का नाम ले लूँ तो किसका लूँ? मैं NDS का नाम ना लूँ तो किसका लूँ? तो बात इतनी है कि चाहे वो लोग जितना भी करें, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। मेरी बहन, आप
आपकी बात दुरुस्त है, 3000 विडोज़ हैं आपके पास। मैं अपनी हैसियत में मैंने एक लड़ाई लड़ी, उस पर मेरे 265 विडोज़ हैं, मुझे अंदाज़ा है इन सारे दुखों का। मैंने घर से शहीद उठाया, मुझसे ज़्यादा किसी को उसका एहसास नहीं होगा। लेकिन बात इतनी है कि हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको रिलेट करें बलूचिस्तान के साथ, इसको किसी और के साथ रिलेट ना करें, किसी और उसके साथ ना करें। जिस तरह पश्तीन मोमेंट है या व्हाटएवर है, मंजूर पश्तीन के जलसे में आप गई, वहाँ पर आपने स्पीच की, सर आंखों पर स्पीच करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, जितनी दफ़ा मर्जी कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन रोकती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लिखा हुआ है, उन चीज़ों को हमें रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी आपकी डिमांड है, अगर आप इस पब्लिक में मुझे बताना चाहती हैं, पब्लिक में हम बताएंगे, रिलेट करें इसको बलूचिस्तान से। आप यहाँ के हम लोग तो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। मैं तो कमिटेड हूँ उस आईन से, मेरे लिए वो बहुत मुकद्दस है, मेरे तो मतलब कुरान के बाद उस आईन में एक चीज लिखी हुई है आपने।